गुड मॉर्निंग, मैं संतोषी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने फिर से एक नए वीडियो में। तो बेस मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं कर रही हूँ अपने आईब्रो को डिफाइंड, मतलब कि शेप मिला रही हूँ। तो आईब्रोज मैं इसलिए कर रही हूँ पहले क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ स्मोकी आईज़। तो स्मोकी आईज़ मैंने हमेशा ब्राउन पे किया है, आज मैं कुछ अलग करने का ट्राई कर रही थी। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों की हेल्प हो तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आईब्रो को शेप में कर लिया है। जिस कलर का मेरा आईब्रो है, मतलब थोड़ा सा डार्क ब्राउन, उसी कलर की मैंने आई शेडो उठाई है, मतलब आई शेडो नहीं, आईब्रो की पैलेट से कलर उठाया है। तो यहाँ पे आप आई शेडो पैलेट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास मालियो का आई शेडो पैलेट ही है। यहाँ स्मोकी आई करते टाइम मैंने हल्का सा पहले सोचा कि मैं ब्लैक कलर लूँ और उसी को स्मज करूं, तो मैंने ब्लैक कलर लगाने के बाद हल्का सा ब्राउन कलर के साथ पूरे आईलेट पे स्मज किया। तो यहाँ पे जो मुझे ब्लैक कलर की स्मोकी चाहिए थी वो इफेक्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने और अपना जेल आईलाइनर लिया और मस्त अपने आईलेट पे अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितना ब्लैक हो गया था। पहले तो मैं डर गई थी कि कहीं ये ब्लेंड ही ना हो अच्छे से, क्योंकि मैं ब्लैक स्मोकी आईज़ पहली बार कर रही हूँ अपनी आँखों पर, क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी हुडी है और आईलेट के जो ये गैप होते हैं ना, ये थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं है, जो भी होता है आप लोगों के सामने ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करती हूँ और बहुत टाइम भी लगता है इसे ब्लेंड करने में। अगर किसी भी चीज़ को ना, अगर आप क्रीमी चीज़ को अपने आईलिड पर ब्लेंड करोगे ना तो टाइम लगता है। पाउडर वाली तो फिर भी ब्लेंड जल्दी हो जाएंगी, जैसे आई शेडो पैलेट में से पाउडर हमने कोई उठाया और उसे ब्लेंड किया वो जल्दी हो जाता है, लेकिन इसे ब्लेंड करने में टाइम लगता है, मतलब टाइम चाहता है। तो शांति से आराम से ब्लेंड करें, दूसरों के आँखों पे तो हो जाता है, मेरी थोड़ी ना आईलिड के ऊपर की स्किन भी बहुत पतली है। कई लोगों की मोटी होती है अपर, मतलब बाहर हिस्से में होता है, तो ब्लेंडिंग करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अपनी हुडेड आइज़ पे मैं स्मोकी आइज़ क्रिएट करूँ। वैसे तो ये हो ही जाएगा और अच्छा भी बहुत लगता है, मतलब अच्छा लगता है या नहीं लगता वो तो आप कमेंट करके बताओगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लेंडिंग करने में बहुत टाइम जा रहा था मेरा, मतलब अच्छे से ब्लेंड करना है आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्रश को सर्कुलेशन मोशन में करके बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है और बहुत हल्का प्रेशर रखते हुए। आप आँखों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हो, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है, कितने अच्छे से स्मज हो गया है, कोई भी पैच नहीं दिख रहा है कि मेरी आईलिड पे भाई मैंने ज़्यादा मतलब काला कर दिया था तो कुछ अलग सा इफेक्ट दे रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ आप देख रहे हो कितने अच्छे से स्मज हो चुका है ये। तो स्मज होने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं ग्लेटर लगा लूँ, तो ग्लेटर लगाया है मैंने यहाँ पे थोड़ा सा। तो कैसा लग रहा है ये मेरी ग्लेटरी स्मोकी आईज़। तो चलिए यहाँ पर मैंने ऊपर ब्लैक ब्लैक ज़्यादा कर रखा था, तो मैंने सोचा वाइट काजल लगा लेती हूँ ताकि मेरी आँखें थोड़ी सी बड़ी दिखे, क्योंकि स्मोकी ब्लैक स्मोकी आई से तो मेरी आंखें और छोटी दिख रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट काजल लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपने आंखों के नीचे वाले हिस्से में, तो यहाँ पे भी मैंने ब्राउन कलर का जो पाउडरी आई शेडो है वो ब्लेंड किया है, ब्लैक नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ब्लैक करती तो मेरी आँखें और छोटी हो जाती। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना था, एक तो मेरी हुडी आईज़ ऊपर से छोटी आईज़, तो यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। बाकी आप ज़रूर बताना कि ये कैसी लग रही है मेरी आईज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ले लिया है जो आँखों के सामने कोना होता ना नोज़ के पास, वहाँ भी मैंने एक सिमर कलर की आई शेडो लगा ली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अब कम से कम पूरा एक साथ दिख रहा है कि हाँ, मतलब एक जैसा कि हाँ स्मोकी आईज़ हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से, मतलब जो भी एरिया पर आप कोई भी चीज़ लगा रहे हो ना उसे अच्छे से ब्लेंड करो तो वो चीज़ें निकल के आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने आई लेसेस कर्लर से कर्ल किया है, और कुछ बोलते हो तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन मैं तो इसे यही बोलती हूँ। तो यहाँ पे इसे कर्ल करने के बाद मैंने लगाया मस्कारा, तो मस्कारा भी मेरा मालियो का है और ये बहुत अच्छा मस्कारा है। स्विस ब्यूटी का भी मस्कारा अच्छा है, और वैसे तो मैं स्टार्टिंग में लोकली यूज़ करती थी, अभी ही एक दो ब्रांड जैसे आई मैजिक का हो गया, मालियो का हो गया, स्विस ब्यूटी का हो गया, इनका मस्कारा मैंने यूज़ किया है और ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ये भी आप यूज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप मेबेलिन का लो, फिट मी का लो, कुछ भी लो। मस्कारे में ना इसमें स्मेल नहीं है, कई मस्कारा ऐसा सड़ा हुआ स्मेल करता है, ये बिल्कुल इसमें स्मेल नहीं है, और स्मेल वाली चीज़ें मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होती कि मैं यूज़ कर पाऊँ।
तो यहाँ मैंने अच्छे से अपर आई लैसेस को भी मस्कारा लगा लिया है और लोअर लैसेस पे भी लगा लिया है। तो आप देख रहे हो मैंने बहुत अच्छे से मस्कारा लगा लिया है। तो यहाँ पे आधा मतलब आई मेकअप तो पूरा कंप्लीट हो ही चुका है। तो अब बारी आती है थोड़ा सा अपने बेस को सेट करने की। वैसे मैंने पाउडर के साथ सेट करके फिर उसके बाद अपना आई मेकअप स्टार्ट किया था, फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर सब कुछ करके। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो हल्का सा पाउडरिंग और कर लेती हूँ हल्का सा ब्लेंड करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा सा पाउडरिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी स्वेटिंग हो उससे अच्छा है कि मैं कर लूँ। लेकिन जो मैंने आई मैजिक का फाउंडेशन यूज़ किया है ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं हल्का सा कंटूर कर रही हूँ, मतलब ब्रॉन्जर ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे कंटूर करना था तो क्रीम प्रोडक्ट के साथ ही कर लेना था। यहाँ पर हल्का सा ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ और मैं फिर ब्लश कर रही हूँ। उसके बाद हल्का सा मैं करूँगी हाइलाइटर, तो ज़्यादा नहीं क्योंकि ये डे मेकअप है। वैसे भी मैंने स्मोकी आई कर लिया है दिन में ही, तो वैसे स्मोकी आई ये बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ये क्रिएट किया था डार्क स्मोकी आईज, और लेकिन मुझे अच्छा लगा। बेशक मेरी आंखें हुडीड है, छोटी है, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मस्कारा लगाते वक्त ना मेरी आंखों के नीचे थोड़ा सा लग भी गया था, बहुत होता है मेरे साथ तो ये, लेकिन ये सूख जाने के बाद ना खुद ब खुद निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ हल्का सा, मतलब हल्का नहीं डार्क ब्राउन कलर का लिपस्टिक है ये, और मैं इसे बहुत हल्के हाथों से लेकर लगा रही हूँ। मैंने सोचा था न्यूड कलर लिपस्टिक अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे ऊपर नहीं अच्छी लग रही थी। तो पता है ये लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने दोबारा से फिर अपना डार्क कलर का लिपस्टिक लिया और फिर मैंने लगा लिया था। हालांकि ये भी बहुत सुंदर लग रहा था, जो हल्का हल्का इफेक्ट दे रहा था ना आप देख रहे हो ब्राउन कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया था। लेकिन जब मैंने कपड़े चेंज किए ना तब मुझे फील हो रहा था कि ये लिपस्टिक थोड़ा सा लाइट जा रहा है, तो मैंने दूसरी लगा ली थी। ऐसा अक्सर होता है कि आपके साथ कपड़ों के साथ आपकी लिपस्टिक नहीं जाती, आई मतलब अब आंखों का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिपस्टिक चेंज करके भी बहुत लुक अलग हो जाता है। तो यहाँ है फिलहाल मेरा मतलब पूरा मेकअप और आई मेकअप लुक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी एक स्मोकी आईज़ के लिए। तो चलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो मेरा आउटफिट और लुक तो एक कमेंट कर देना। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड